सरोकार। विधानसभा में शीतकालीन का आज दूसरा दिन सीएम ने किया संबोधित, जो कहा वो करके दिखाया। कानपुर में इरफान सोलंकी पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, लाइसेंस से हथियारों की जांच हुई शुरू। रायबरेली में महिलाओं पर नहीं थम रहा अत्याचार, दलित महिला के साथ लेखपाल ने की अभद्रता। आजमगढ़ में दरवाजा विहीन हुआ मोर्चरी हाउस, शवों की सुरक्षा पर मंडराया संकट। रायबरेली में दो सहायक शिक्षिकाओं के आपस में मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। विधानसभा में शीतकालीन का आज दूसरा दिन है। सीएम ने विधानसभा में कहा कि जो कहा वो करके दिखाया और कहा कि यूपी की पहचान बदल दी, समाज के हर तबके तक योजना का लाभ पहुंचाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने चल रही योजनाओं की पहल कर कहा, जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है, काम में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में दंगों पर विराम लगा है। योगी ने सरकार के नए नए कदम उठा रही है। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं लखनऊ में भी विधानसभा के माननीय अध्यक्ष सतीश महाना ने राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में आधुनिक भारत के राष्ट्र डॉक्टर निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। आजमगढ़ के मंडलीय जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की मोर्चरी की दुर्व्यवस्था पर नजर पड़ रही है। 5 दिन पहले पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए जबरदस्ती शव लेने के लिए कुछ लोगों ने मोर्चरी हाउस का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा दरवाजा अभी तक न लगाने से शवों की सुरक्षा करना अब मुश्किल हो गया है। और ऐसे में किसी चौकीदारी की तैनाती नहीं है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी भी अनजान बने हैं। कानपुर में पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवारजनों की हथियारों की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि मोहल्ले की महिला के प्लॉट में आगजनी के आरोप में जेल गए सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतों का सिलसिला लगातार जारी है। कानपुर पुलिस ने अब इरफान सोलंकी और उनके परिवार के लोगों में मौजूद लाइसेंसी हथियारों की जाँच शुरू कर दी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी नाम 3 लाइसेंस है जो कानूनन नियमानुसार नहीं है, जिसकी जाँच चल रही है। जो लाइसेंसी वेपन्स हैं उसके संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। रायबरेली में शिक्षा का मंदिर जंग का अखाड़ा बन गया। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के ब्लॉक अमावा के पूर्वे ठकुराइन गांव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में आदेश पंजिका को लेकर सहायक शिक्षिका और प्रधान शिक्षिका के बीच मारपीट हो गई, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विद्यालय के आसपास के रहने वाले लोगों ने दोनों शिक्षिकाओं को अलग कराया। प्रधान शिक्षिका की सूचना पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। को हमने देखा आदेश पुस्तिका में, उन्होंने कल 3 दिसंबर को उन्होंने उस पर आदेश पुस्तिका में लिखा कि मेरे द्वारा कक्षा में शिक्षण नहीं किया जा रहा है और बच्चे रो रहे हैं। तो ये मेंशन करने के बाद ऐसी ही बहुत सी चीज़ें वो मेंशन करके अपने आप ही रजिस्टर में आदेश पुस्तिका में रखती रहती हैं और हम तक नहीं ये पहुँचाती हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो किसी के माध्यम से वो हमको रजिस्टर देती और हम उसको देखते, फिर हम उनसे बात करते। इसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करने के लिए रजिस्टर लेके बाहर ही आए, जैसे यहाँ पे मैदान में प्राथमिक विद्यालय पूरे ठकुराइन के प्रांगण में। तो आने के बाद में फिर वो उनसे पूछते हैं तो कहती हैं कि तुम पागल औरत हो, तुम्हारी मनगढ़ंत सब उपज है, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगी, जो 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 करना है कर लो। इसके बाद फिर उन्होंने इस बारे में मुझसे बात नहीं की। फिर मेरी वो फोटोज लेना और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये फोटोज वगैरह जो है क्यों ले रही हो, तो फोन उनका पकड़ने के लिए वही नीचे किया गया, उसी चक्कर में नीचे करने के लिए वो अपने में ऑटोमेटिक जमीन में गिर पड़ी और झूठ मूठ का बोल रही मुझे मारो 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 मुझे मारो ये करके उल्टे सीधे आरोप लगाने लगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को देखते हुए कई योजनाएं बनाई गई और कई योजनाएं चली थी, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के गादागंज थाना क्षेत्र के गुलहेरा गांव का है, जहां एक दलित महिला ने क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ थाने में तहरीर दी है कि लेखपाल ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और लज्जा भंग करने का प्रयास कर गालियां दी, जिससे पीड़ित थाने में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरे पति घर पे नहीं थे, तो मैं मम्मी की दवाई लेने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मुझे लेखपाल जी मिले और मुझे मतलब कहने लगे कि तुम्हारा खेत बंटवाना है तुम्हारे वीर पक्षियों ने कहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई ऊपर से आदेश मिला है, तो कहने लगे आदेश विदेश नहीं दिखाएंगे तुमको और तुम मतलब जाति सूचक सब्जेक्ट जैसे पासिंग साली तू क्या कर लेगी हमारा आदेश दिखाए तुझे, तू ज़्यादा गवर्नर लग रही है और इतने मतलब इस तरह की गालियाँ देने लगे मुझे और धक्का दिया और मेरा पल्लू नीचे सरा गया और फिर उसके बाद वहाँ के दो चार लोग आ गए थे और मतलब मैं थाने भी गई थी, कल भी गई थी, आज भी गई थी और वहाँ पे हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुई। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में एक और आरोपी ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि फरारी के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी की मदद करने में जेल भेजी गई सपा नेत्री के भाई अशरफ अली के थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस की टीम अब अशरफ से पूछताछ करके आधार कार्ड बरामद करने का प्रयास कर रही है। गोंडा में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची लापता हो गई। 10 दिन बीत जाने के बाद नाबालिग बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं है। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। वहीं पीड़िता की मां रोते बिलखते एसपी ऑफिस पहुंची, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर अभी तक पुलिस ने बच्चे को बरामद क्यों नहीं किया। ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र देहात का है। हुआ था, एक महिला थी, वो 13 साल से उसका पति नहीं, उसकी 13 साल की बच्ची है जो 6वीं क्लास में पढ़ती है, गरीब महिला है। उसके खिलाफ 569/2022 मुकदमा दर्ज हुआ था, मतलब उसने दर्ज कराया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और लगभग 10 दिन से उसकी नाबालिग बच्ची गायब है। अगर इसमें बच्ची को कुछ हो जाता है उसके उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। क्या ऐसे ही प्रशासन काम करेगा? मुकदमा दर्ज हुआ इसमें अभी तक कुछ की नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया है 559/22 अब मुकदमा अपराध संख्या कोतवाली देहात, अब पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसी संबंध में हम कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिलाने आए थे। गिरफ्तारी हुई, हमारा लड़की लेके गायब हो गया है, आज 10वां दिन है, लड़की हमारा हाजिर नहीं करत है और जो हम थाना जाए थे तो थाना वाला हमका गाड़ी देता है, हमारे घर पर कोनो कोशिश नहीं करत है, घर पर हमारे जाते तो गाड़ी देता है, कहा था तुम्हारे लड़की 2 साल हम नहीं हाजिर करेगा, तू खूब दौड़ लियो जितना दौड़े खोए उतरा और ओकरे बाद में हम कोर्ट मरीज से जयमाल छोड़ा देवे तो हर लड़की ना हाजिर करबे, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, जे कोई जात है दरोगा सिपाही तो गाड़ी दे दे हमें घर पर चला आवत है। अब बाबू को हमें हेर सोच के हमारे लड़की को मेर दियो हमें और हमारे कुछ ना है, खाली यही लड़की रही साहेब। बुलंदशहर में भूतपूर्व सैनिकों संघ नेवी का जवान खुर्जा तहसील पहुंचा। आपको बता दें कि भाई पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाकर एसडीएम से शिकायत की है। फर्जी वसीयत बनवाकर जवान के हिस्से का मकान और भूमि हड़पने का भाई पर आरोप लगाया गया है। जवान की शिकायत पर एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के लिए निर्देश दिए है। पोरबंदर में सर्विस करता हूँ, इस वक्त वहाँ मेरी ड्यूटी पर मैं तैनात था और हम 2 भाई है और हमारे पिताजी के नाम 100 बीघा जमीन थी, जिसमें कि मेरे भाई ने पिताजी से धोखाधड़ी करके और सारी संपत्ति, घर मकान जमीन सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करा दी। आज मैं जो है अपने लिए रहने के लिए मेरे पास न छत है न कुछ है, मैं दूसरों के यहाँ भटक रहा हूँ किसी भी प्रकार की। कभी से पता लगा फर्जी वसीयत बना ली भाई? ये उन लोगों ने दावा किया कि हमारे चाचा का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ हमारा है, हमारे बाबा हमको दे करके गए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं छुट्टी ले करके फिर मैं यहाँ आया और मैं यहाँ
15 दिनों से धक्के खा रहा हूँ, कभी तहसील में, कभी कोर्ट में, कभी तहसील में, कभी कोर्ट में। पूरे प्रदेश में स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा व्यापक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। वहीं रायबरेली में जीएसटी टीम ने जगतपुर कस्बे में दुकान में कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की। एसआईबी द्वारा गठित टीम के अधिकारी प्रबल कुमार की 4 सदस्यीय टीम ने बछरावा सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी की और दुकानों में रखे अभिलेख जब्त कर लिए। छापेमारी के दौरान कस्बे के व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के डीलर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाश रुपए से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। लूट की घटना से इलाके पे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बैग में लगभग 3.5 लाख रुपए थे। युवक पैसा जमा करने बैंक पहुंचा था। पीड़ित फाइनेंस कंपनी का डीलर करछना थाना क्षेत्र का भुंडा गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। डीलर सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। करछना थाना क्षेत्र के साधु कुटी चौराहे के पास की पूरी घटना है। अजीत पांडे ये 3.5 लाख रुपए इन्होंने ये फाइनेंस का किसी कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन एजेंट, तो ये पैसे यहाँ जमा करने आए हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में अपनी गाड़ी 4 व्हीलर से, और जैसे उतरे हैं वैसे ही बाइक सवार 2 लोगों ने इनका बैग छीन के और लखनऊ में चौक थाने में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध बिल्डिंग के खिलाफ मुख्यमंत्री के कड़ा निर्देश के मद्देनजर एलडीए ने पुराने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शरीक नवाब और मोहसिन नवाब द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद एलडीए वीसी और ज्वाइंट सीपी के साथ भारी पुलिस बल और एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे। आज एक कॉम्प्लेक्स था, इसमें 90 दुकानें बनी थी। उसका सीलिंग पहले आर्डर जारी हुआ था, सीलिंग आर्डर का वायलेट करके उन्होंने फिर से अपनी दुकानें बनाई, और ध्वस्तीकरण आदेश भी अभी जुलाई में पारित हुआ, उसके बाद भी निर्माण काम जारी रखा और नई दुकानें खोलने की स्थिति में शिकायत गंभीर मिली थी कि प्राधिकरण के लोग भी इसमें उनके कनाइवेंस हैं, तो मुझे आना पड़ा। अभी सीलिंग कार्रवाई हुई है, जो लोग दोषी हैं हमारे तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।